आने वाले त्योहारों को देखते हुए त्योहारों के बीच बार बार रद्द की जा रही पैसेंजर ट्रेनों, बेतहाशा बढ़ते हुए किरायों और बुजुर्गों छात्रों को मिलने वाली रियायतों को खत्म कर भारतीय रेलवे के निजीकरण के षड्यंत्र के खिलाफ आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के निर्देश पर दुर्ग, भिलाई और शहर के अलग अलग शहरों में रेल रोको आंदोलन किया गया। कांग्रेसियों ने कहा कि मोदी सरकार ने आम भारतीयों को भारतीय रेल से दूर करने की पूरी तैयारियां कर ली है। जिस तरह से रेल स्टॉपेज बंद किए जा रहे हैं, किराया बढ़ाया जा रहा है, स्लीपर और सामान्य श्रेणी के डिब्बे घटाए जा रहे हैं, अब वो दिन दूर नहीं जब भारतीय रेलवे आम नागरिकों का नहीं बल्कि खास नागरिकों तक सीमित रह जाएगा। बताएंगे कि आगे अगर ये मांग आपकी नहीं मानी गई तो कांग्रेस सरकार की क्या रणनीति, आगे क्या होगा? हम लोग हस्ताक्षर अभियान के नाम कांग्रेस की जनता के पास जाएंगे और बताएंगे कि मोदी सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो देश की जनता के साथ कैसे अन्याय कर रही है। एक तरफ महंगाई घटाने की बात करती है, वादा करती है, और दूसरे तरफ ट्रेन का किराया बढ़ता है, प्लेटफॉर्म टिकट का बनाया जाता है, ट्रेन रद्द करके उसको दूसरे साधन से जाने के लिए बाध्य किया जाता है ताकि वो महंगाई का सामना करे। ये बहुत दुर्भावनापूर्ण बात है और हम हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और साथ ही साथ और बड़े आंदोलन करेंगे ताकि देश की जनता नरेंद्र। ये आंदोलन किस तरह का था? बहुत बढ़िया आंदोलन था और पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने और दुर्ग जिले के जनता ने जहाँ जो आंदोलन हो सभी लोग भाग लिया और इस आंदोलन को सफल बनाया। रोल है निर्मल जी, बताएंगे क्या कैसे आंदोलन क्या है? देश के जो मोदी सरकार है, आम जनता की उसको चिंता नहीं है। लगातार जो ट्रेन है, जो आम जनता के चलने का सबसे बड़ा साधन होता है, उसको लगातार मोदी जी की सरकार के द्वारा बेवजह रोका जा रहा है, जिसके विरोध में आज ट्रेन रोको आंदोलन किया है। हमारा ये लड़ाई है वो लगातार जारी रहेगा, सड़क से सदन तक की लड़ाई। पहले हम लोगों ने मीडिया के माध्यम से, आप साथियों के माध्यम से पत्रकार वार्ता, फिर पोस्टर वितरण के करने के बाद आज हमारा जो कांग्रेस जन है वो पूरे प्रदेश भर में रेल रोको आंदोलन किए हैं और ये आंदोलन हमारा लगातार जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ की भूपेश सरकार से नरेंद्र मोदी जी पूरी तरह से डरी हुई है और आम जनता को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे किसानों को मिलने वाली जो सुविधाएं हैं, उनमें लगातार बाध्य करके केंद्र की मोदी सरकार कांग्रेस जनों को हतोत्साहित करने चाहते हैं।